ऐसा कहा जाता है कि महिला और पुरुष जीवन चक्र के वे दो पहिए हैं जो एक दूसरे के सहयोग से जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं। हालांकि बचपन से मैंने देखा है कि समाज में पुरुषों का ही बोलबाला है और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी। अधिकांश घरों के मुद्दे जैसे परिवार, शिक्षा, आजीविका, शादी और पैसों से संबंधित लगभग सभी प्रमुख फैसले घर के पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं, जो मुझे यह मानने पर मजबूर करते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। मेरे मायके में भी यही स्थिति थी और यहाँ ससुराल आने के बाद भी कुछ खास नहीं बदला। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, क्योंकि मुझे घर के कामों में माँ का हाथ जो बटाना था, साथ ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी थी। मेरा भाई साइकिल चलाकर स्कूल जाया करता था, पर मुझे इसकी अनुमति नहीं थी और जल्द ही मेरी शादी हो गई, जिसके बाद मुझे अपना गांव और माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। इसी तरह मेरे नए घर में भी जीवन चलता रहा और पूरे समय मैं खेत पर काम करने और पशुओं, घर, बच्चे और बूढ़े सास ससुर की देखभाल करने में व्यस्त रहने लगी। एक दिन मेरे पति बहुत ही परेशान थे, क्योंकि हमारे खेत में कीड़ों के कारण फसल बर्बाद हो रहे थे। जब मैंने उन्हें इस कीड़े की बीमारी से बचाव की नई तकनीकों के बारे में बताना चाहा, जो कि मैंने अपने महिला समूह की बैठक में सीखा था, तो उन्होंने हमेशा की तरह ही मेरी बात को अनसुना कर दिया। हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद हिम्मत जुटाकर मैंने उनको पूरी बात बताई और ये सब सुनकर मेरे पति हैरान हो गए। ये साहस मुझे मेरी पड़ोसी और सीआरपी संयुक्ता दीदी से मिली। उनमें आत्मविश्वास के साथ समझ भी है और वो हमारे समूह के प्रशिक्षण में हमेशा ही हमें नई नई चीजें और उससे जुड़ी जानकारी बताती रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला और पुरुष दोनों एक बराबर ही हैं। मैं तो यह सुनकर दंग ही रह गई, पर मैंने उनके जीवन में इसे अनुभव किया है। वह अपने परिवार और खेती से जुड़े हर फैसले में बराबर की भागीदार होती हैं और वह अपनी बेटी की भी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती है। एक दिन जब मैं पानी भरने जा रही थी, तो मैंने सीआरपी दीदी से पूछा कि आप ये सब कैसे कर लेती हैं। शुरुआत में तो उनकी भी जिंदगी मेरे जैसी ही थी, पर वो अपने हक के लिए लड़ी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लिए यह आसान नहीं था। शुरुआत में जब मैं अपनी बात रखने की कोशिश करती थी, तो मुझे यह कहकर चुप करा दिया जाता था कि पुरुषों के पास ज्यादा अनुभव और जानकारी होती है, जबकि खेती से जुड़े ज्यादातर काम तो मैं ही किया करती थी। मुझसे हमेशा यह कहा गया कि महिलाएं केवल मजदूरी और घर का काम कर सकती हैं। मैं हमेशा ही इसके खिलाफ रही और अपनी बात रखती रही, और फिर समय के साथ उन लोगों को भी मेरे योगदान का महत्व समझ आने लगा। सीआरपी दीदी की इन बातों से प्रेरित होकर मैंने भी अपने पति से कहा कि हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर मैं पोषण वाटिका लगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि सीआरपी दीदी ने जब मुझे अपनी पोषण वाटिका दिखाई थी, तो इसके महत्व के बारे में भी बताया था कि कैसे इसी छोटी सी वाटिका से उनके पूरे परिवार को पोषण से भरपूर खाना मिलता है। मैं अपने पति को भी उनकी पोषण वाटिका दिखाने ले गई। अब धीरे धीरे वह मुझे सहयोग करने लगे हैं और यह भी मानते हैं कि एक पोषण वाटिका से कम खर्च में ही हम अपने पूरे परिवार को पौष्टिक खाना खिला सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे सीआरपी दीदी की दिखाई इस राह पर चलकर मैं अपने गांव के किसान उत्पादक समूह अर्थात पीजी से भी जुड़ी। इस किसान उत्पादक समूह में मुझे हर रोज नई नई चीजें सीखने को मिली और मैंने यह भी देखा कि अपनी आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक महिला और पुरुष भले ही शारीरिक तौर पर एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन समाज में संतुलन बनाने में दोनों की ही बराबर भागीदारी होती है।
इसी शारीरिक अंतर के कारण महिला और पुरुष को अलग अलग काम दिए जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें यही सब कहा जाता है कि तुम एक महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। खेत पर काम करने या पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी एक महिला को अपने घर या जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता। यहाँ तक कि अपने घर परिवार, खेती या पैसों से जुड़े फैसलों पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आप इसमें बदलाव ला सकती हैं? कुछ साल पहले आपके गांव में कोई संगठन नहीं था, पर अब चीजें बदल गई हैं। अब आपके पास एक संगठन है जहां आप नई चीजें सीख रही हैं या समझ पा रही हैं कि समाज में समानता लाना संभव है। आप और आपका संगठन इस दुनिया को एक समानता की ओर ले जा सकते हैं, जहां महिलाएं भी समान रूप से अपने घर, खेती और आय से जुड़े फैसले ले सकती हैं, अपने घर के खर्चों पर नियंत्रण रख सकती हैं, यहां तक कि जमीन पर मालिकाना हक भी पा सकती हैं। आप भी अपने समूह की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होकर नए कौशल सीखें और संगठित रूप से एक किसान उत्पादक कंपनी का गठन करके अपनी आय को बढ़ाएं और अपने फसल की उपज को एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराएं। आप और आपका संगठन भी ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है तो अपनी क्षमता को पहचान कर उस पर काम करने की। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में आने वाले इस बदलाव के लिए?